शिमला के रोटरी टाउन हॉल में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। ये कैंप 3 दिनों तक चलेगा। पहले दिन लोगों ने बड़ी संख्या में यहां पहुंचकर वैक्सीन लगाई। कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे के बीच वैक्सीनेशन अभियान भी जारी है। अभी 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है और 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी के तहत शिमला में रोटरी क्लब द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया है, जिसमें 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। शिमला के रोटरी क्लब में 3 दिन तक ये अभियान चलेगा, जिसमें लोग रुचि दिखा रहे हैं। रोटरी क्लब के सदस्य पदम सूद ने बताया कि 3 दिन का वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया है, जहां पहले दिन भी लोगों ने खूब रुचि दिखाई। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल को कोविड सेंटर बनाया गया है, जिसके बाद यहां वैक्सीनेशन नहीं हो रही है, इसलिए लोगों की सुविधा को देखते हुए रोटरी क्लब में वैक्सीनेशन लगाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब में अभी 3 दिन तक ही वैक्सीन लगाई जाएगी, उसके बाद जो भी निर्णय होगा उसके तहत ही इसकी तिथि को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज हमने टीकाकरण अपने रोटरी क्लब शिमला में रखा है और शिमला वासियों की बहुत अच्छी रिस्पांस हमें आ रही है। और अभी तक हमने 10 बजे शुरू किया था टीकाकरण और ये समझिए कोई 40 टीकाकरण हम अभी तक कर चुके हैं और अभी भी लोग आ रहे हैं और सभी लोग इसको बहुत अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिसमें हमारे वरिष्ठ नागरिक भी आए हैं और पूरा प्रोटोकॉल हमने कोविड का पूरा प्रोटोकॉल रखा है, उसके अनुसार हम टीकाकरण कर रहे हैं। सर, कितने दिनों तक ये चलने वाला है और क्या कुछ अपील आप करना चाहिए? अभी तक तो ये 3 दिन के लिए हमने रखा है, हो सकता है कि आगे ये हम इसको बढ़ा दें, क्योंकि जैसे रिपन हॉस्पिटल जो है आपका, उसमें वो कोविड सेंटर बन गया है, तो यहाँ शिमला वासियों को ज़रूरत है कि अच्छी जगह की जो हमारे पास है और हम उनको पूरी सहयोग दे रहे हैं टीकाकरण के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।